हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं UPDLET फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम डेट से रिलेटेड महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आखिरकार PNP जो है वो नोटिस जारी क्यों नहीं कर रही है, इसका कारण क्या है। और बहुत ही सटीक शब्दों में मैं आप सभी को बताऊंगी, ठीक है, कि जो PNP है वो नोटिस अभी तक जारी क्यों नहीं कर रही है और क्या सितंबर माह में परीक्षा होगा या फिर नहीं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो और आप अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। तो चलिए, तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर मैं आप सभी को बताऊँ, सबसे पहले ये सवाल होता है कि क्या सितंबर में स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे या फिर नहीं। तो फ्रेंड देखिए, अगर हम बात करें स्कूल और कॉलेज की, तो अगर आपने आज का ई पेपर देखा होगा तो उसमें ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि हो सकता है कि स्कूल और कॉलेज सितंबर के माह में नहीं खोले जाए, ठीक है। और उसके बाद देखिए दूसरा सवाल ये कि PNP जल्द कोई जो नोटिस है वो जारी क्यों नहीं कर रही है, इसका कारण क्या होगा। और ये भी चांसेस है क्या अभी भी प्रमोट हो सकता है या फिर नहीं। और चौथा जो सवाल है, क्या सितंबर माह में एग्ज़ाम हो सकता है या फिर नहीं। और फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि क्या इस बार DLED 2020 में एडमिशन होगा या नहीं, पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि क्या 1 सितंबर से स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है कि अनलॉक 4.0 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और इसमें हो सकता है कि स्कूल और कॉलेज खोले जा सकते हैं और इसके लिए भी नई गाइडलाइंस जारी हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि कोरोना वायरस के कारण देश भर के स्कूलों और कॉलेजों को बंद हुए 5 महीने हो चुके और 31 अगस्त को अनलॉक 3.0 समाप्त होने के साथ यह उम्मीद जताई जा रही है कि केवल और केवल उम्मीद, ठीक है, उम्मीद बताई जा रही है कि गृह मंत्रालय जल्द ही अनलॉक 4.0 के तहत स्कूलों को फिर से खोलने पर निर्णय ले सकती है और इस महीने के अंत तक दिशा निर्देश जारी किए जाने की भी संभावना है। तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि जल्द ही इस महीने के लास्ट, आज 25 अगस्त है, जल्द ही इसके संबंध में गृह मंत्रालय की तरफ से ये गाइडलाइंस जारी की जाएगी कि क्या स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे या फिर नहीं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था ये कि आखिरकार जो PNP है, बहुत ही सटीक शब्दों में आप सभी को हम बताएंगे कि जो PNP है जल्द कोई नोटिस जारी नहीं कर रही है, इसका क्या कारण है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता दूं कि इसका जो कारण है वो यही, जो SCERT है वो क्या कर रही है, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस प्लस जो इंटर्नशिप है वो भी ऑनलाइन के माध्यम से प्रोवाइड कर रही है। तो बात यहाँ ये करते हैं आखिर नोटिस क्यों नहीं जारी कर रहे हैं कि क्या सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा या थर्ड सेमेस्टर का। तो देखिए फ्रेंड्स, साफ और सटीक शब्दों में मैं अगर आपको कहूँ तो जो PNP की राय है वो यही सोच है कि हम जिस तरीके से, मतलब जैसे ही स्थिति सामान्य होगा, अभी क्या उनको करना है, केवल और केवल वो प्रशिक्षण दे रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है फर्स्ट सेमेस्टर पूरा हो गया तो ऑनलाइन के माध्यम से सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट कर दिए। अब बहुत सारे कॉलेजेस ये भी बोल रहे हैं कि आप थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करो, ठीक। तो इस तरीके से जो PNP चाहती है कि आप जो अपना फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर, ये जो आपका प्रशिक्षण है वो चलता रहेगा और जैसे ही स्थिति सामान्य होगी तो एग्ज़ाम करवाया जाएगा। अब आप कहेंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम करवाया जा सकता है, तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी को बताया भी था कि एक मंथ का गैप देकर जितने भी एग्ज़ाम है इसको करवाए जा सकते हैं, ठीक है। PNP इसका मतलब तो यही निकलता है ना, क्योंकि आप सभी को पता है कि UGC हो गया, वो जितने भी एग्ज़ाम थे इसको मतलब प्रमोट करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन जो PNP है अभी तक कोई भी नोटिस नहीं जारी की है। तो इसलिए फ्रेंड्स अगर आप अपनी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ गाइज आप स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं तीसरा जो क्वेश्चन है, क्या अभी भी प्रमोट होगा या फिर नहीं। तो
फ्रेंड्स 2018 बैच के लिए, 2019 बैच के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि 2018 बैच के ही जो प्रशिक्षु हैं अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, महोदय कृपया संलग्न पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, और गौरव चाहर मंडल महामंत्री आगरा डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा उत्तर प्रदेश द्वारा डीएलएड वर्ष तृतीय सेमेस्टर के छात्रों को प्रोन्नति या चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा शीघ्र कराए जाने के संबंध में ये मांग की गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों का ध्यान में रखते हुए तृतीय सेमेस्टर डीएलएड के छात्रों को पदोन्नति और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं जल्द से जल्द कराने का दिशा निर्देश जारी की जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो प्रमोट के लिए अभी भी संघर्ष जारी है। ठीक है, और इसके संबंध में जल्द ही सूचना, अब अगर हम जल्द कहेंगे तो आप सभी का ये कमेंट्स रहेगा कि जल्द 4 महीने से हो रहा है लेकिन अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन जारी नहीं किया गया है, या कह सकते हो नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी जो पीएनपी है वो उसकी सोच यही है कि जो आपका प्रशिक्षण है वो कंटिन्यू चलता रहे। ठीक है, और जैसे ही स्थिति सामान्य होगी तो फिर एग्ज़ाम करवा लिए जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें क्या स्कूल और कॉलेज खोलने के बाद एकदम तय हो जाएगा कि आप सभी का एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं, तो देखिए अभी भी जो एग्ज़ाम्स है वो कराए जा रहे हैं। तो ये इसके आप चक्कर में ना रहे कि अगर स्कूल और कॉलेज सितंबर के माह में नहीं खुलेंगे तो 100% तय है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाले हैं। जो एग्ज़ाम्स है वो करवाए जा रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज का ही पेपर है कि प्रदेश में सार्वजनिक यानी समारोह जो भी होता है वो 30 सितंबर तक रोक रहेगा। एंड थोड़ा और हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे ये जो आज का पेपर है कि अनलॉक 4 में भी स्कूल खुलने की जो संभावनाएं हैं बहुत ही ज़्यादा कम है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो आरओ एआरओ प्री 2016 परीक्षा और 20 सितंबर को हो रहा है, तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो करवाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना है कि अगर आप अपना प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ गाइज स्टार्ट कर सकते हो, और सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सितंबर के आप कह सकते हो मीड में यानी 15 के बाद कभी भी आप सभी के एग्ज़ाम से रिलेटेड पीएनपी जो है वो नोटिस जारी कर सकती है। तो इसलिए आप जो अपना प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से करते रहिए। अब बात यहाँ ये आती है कि क्या फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करें या सेकंड सेमेस्टर की, क्या थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करें या फोर्थ सेमेस्टर की। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आप सभी को प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो सिंपल आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि आप किसकी तैयारी करो और किसकी तैयारी नहीं, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। क्योंकि अगर हम बताएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और आप सभी का यही क्यूरीज होता है कि आप थोड़ा वीडियो को शॉर्ट बनाया कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आप अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और देखिए फ्रेंड्स आप सभी के ये भी सवाल होते हैं कि इंटर्नशिप से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो फ्रेंड्स आज 4 बजे हम इंटर्नशिप से रिलेटेड ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो आप उससे ज़रूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।